तो ये पार्ट आपका सेगमेंट है। अब यदि मुझे इस डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं इसे टू मेथड्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकती हूँ। अब वो मेथड्स आपके क्या क्या हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर थ्री डिजाइन्स हैं, वी हैव टू मेंशन हियर। फर्स्ट तो आपसे ये कहता है कि थ्री डिजाइन्स हैं, हमें एरिया ऑफ द डिजाइन चाहिए और हम यहाँ पर जो सेगमेंट एरिया है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट पुटिंग कर दें तो इजीली हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन डू दैट, है ना। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए भाई? सेगमेंट एरिया यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला भी बताया आपको और जो बेस है, बेसिक चीजें हैं वो भी बताइए, क्या है वो बेसिक चीजें एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए। देन वी हैव हियर दिस टाइप ऑफ रीजन, कि ये रीजन है हमारे पास, है ना। और ये रीजन एक्चुअल में है क्या भाई, जल्दी से बताओ। सेक्टर है, ये सेक्टर है। इस सेक्टर में से यदि मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल को रिमूव करवा दूं तो मुझे वो डिजाइन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पर थ्री एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल नेम भी हमारे पास है, किस पार्ट के लिए हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज द ईच पार्ट आर इक्वल, कि यहाँ पर जितनी भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर इक्वल, ओके। तो यहाँ किसी भी एक पार्ट का यदि मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वो हर एक पार्ट के लिए वही मेजरमेंट रखेगा। तो यहाँ हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो मुझे वो डिजाइन एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो प्रोसेस आपसे ये कहता है। अब इस प्रोसेस में आपके पास क्या क्या है और क्या आपको गिवन है और क्या नहीं है आपके पास, जो कि आपको यहीं से कैलकुलेट करना है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। है ना, ये फॉर्मेट तो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए तो हम यहाँ पर क्या क्या चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हमारे पास थीटा होना चाहिए, तो क्या हमारे पास यहाँ पर थीटा है? नहीं, डायरेक्ट हमारे पास थीटा गिवन में नहीं आया। नहीं आया तो क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यस वी कैन, कर सकते हैं। कैसे करें? बिकॉज दिस इज द सर्कल शेप, ये सर्कल है और सर्कल का जो मेजरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल दैट इज 360 डिग्री होता है। एंड द ईच पार्ट इज द इक्वल वन, कि वो जितने भी पार्ट है वो सारे क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब जो इसके एंगल होंगे, जो सेंटर एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वली होगा। अब इक्वली मुझे यदि थ्री पार्ट यहाँ पर डिवाइड करने हैं 360 डिग्री के लिए, सो वी कैन डू हियर, क्या कर सकते हैं भाई, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय थ्री, तो वो थीटा वैल्यू आपका क्या कैलकुलेट हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास देखिए थीटा वैल्यू हो गया, कैलकुलेट हो गया, ओके, फॉर द सेक्टर। जो यहाँ पर रेडियस है वो ऑलरेडी आपके पास है, रेडियस तो गिवन आया आपके पास 32, रेडियस भी आपने पुट कर दिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके लिए, वी वॉन्ट हियर द बेस एंड द हाइट, कि यहाँ पर मुझे एक्चुअल में अब जो जिसके लिए वर्क करना है वो वर्क करना है, हमें बेस एंड हाइट के लिए वर्क करना है। अब बेस एंड हाइट के लिए किस तरीके से वर्क किया जाता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने आपको पोर्शन क्लियर करवाया था कि जो वर्टेक्स आपका ओ है उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि ए बी का भी बाइसेक्टर होगा, जो एंगल आपका ए ओ बी है उसका भी बाइसेक्टर होगा। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कैलकुलेट देयर द बेस एंड द हाइट, कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप बेस और हाइट कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाला प्रोसेस मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है इससे पहले की क्लासेस जो हमने ली थी उसमें एरिया और सेगमेंट मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रायंगल बेस लेते हुए क्लियर किया था, है ना। तो दोबारा से उसके लिए वर्क नहीं कर रहे, केवल आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इस डिजाइन का एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जो चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी अपने आप से थीटा वैल्यू कैलकुलेट करना था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि थीटा आप यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, एक प्रोसेस तो आपसे ये कहता है इस सम के लिए कि भाई हम इस तरीके से इसका यूज करें प्रोसेस और हम कैलकुलेट कर ले एरिया ऑफ द डिजाइन, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पर क्या बता दें, इसका आंसर बता दें इन द सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यहाँ पर इसका रेडियस का यूनिट हमें गिवन में आया था। एक प्रोसेस तो हमसे ये कहता है, ठीक। ओके, एक सेकंड मेथड भी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं भाई। सेकंड क्या है? तो सेकंड ये है, इफ आई हैव हियर द ट्रायंगल साइड, कि यदि मेरे पास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाए, उसका मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर पाए, तो हम इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस सर्कल एरिया में से उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यदि डिलीट करवा देते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं उसे, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द डिजाइन, कि जो एरिया आपका डिजाइन के लिए यूज किया गया है उस टेबल क्लॉथ पर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे, आप वो मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने लिए, एरिया ऑफ डिजाइन। क्या बताया हमने कि एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करवा दें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया आप यहां से हटा दें, उसे सब्ट्रैक्ट करवा दें। बिकॉज आई वॉन्ट हियर द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट नहीं है ना, उसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमें एनी हाउ। अब एनी हाउ कैलकुलेट करना पड़ेगा तो भाई प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस कैसे किया जाए, इसका समझना पड़ेगा ना कैसे किया जाए। तो अभी जो हमने सेगमेंट के लिए वर्क करवाया था, वर्क क्या करवाया था, देन वी हैव टू ड्रॉ देयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि वहां उस बेस के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, उससे हमें इजिली वहां पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कैलकुलेट हो जाएगी, है ना, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कैलकुलेट हो जाएगी, साइड कैलकुलेट हो जाएगी। कोशिश करो कि आप ये कर पाए, है ना। सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया है, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, कोशिश इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि आपको जब फर्स्ट जो मेथड मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कि ये जो मेथड मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, इसके लिए आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग ये आपका साइड कैलकुलेट हो जाएगा, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो आप जब इसे ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मिल जाएगी। चाहे तो आप इसी मेथड को फर्स्ट मेथड से भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके लिए साइड कैलकुलेट करने के लिए वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही होगा, ठीक है। मैंने तो केवल ऑप्शन में बताया है आपको कि यदि आप डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करना चाहते हैं सो यू कैन यूज देम, उसे भी आप यूज कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको साइड चाहिए होगा और साइड के लिए आपको वही प्रोसेस यहाँ पर यूज करना होगा, यू हैव टू ड्रॉ देयर द परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, क्या दोनों मेथड आपके लिए क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है? यस मैम।